मतलब मैं तो इनको फ़ोन जब इनका आता है तो भी मैं इनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मत आओ, कोशिश करती हूँ कि ये ना आए यहाँ पर ये आ जाते हैं और ये तो बहुत खुश हैं कि मैं वापस आया हूँ, इनको पता नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं इनको दिखता है कि ये क्या हो रहा है घर में, पर तब तक वो बंदी बन जाते हैं, उनको मार देते हैं वो सिर पर। पर वो इनका अब पॉजिटिव पॉइंट ये है जो नक्सलाइट्स हैं कि यही इनको मरहम करते हैं और चोट को ठीक करते हैं, तो वो फाल्गुनी वो पकड़ लेती है कि इनमें इंसानियत भी है, तो उसी का वो फ़ायदा उठाएगी बाद में। फाल्गुनी तो सूरज को सब सच सच बता दिया है, तो अभी क्या मतलब इस मुसीबत का हल कैसे होगा? हाँ, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि उनकी फैमिली, और उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो वो नहीं देख पाते हैं ऐसे अपनी फैमिली को इस मुसीबत में, तो वो सोचते हैं कि क्या करें। और उन्होंने एक प्लान निकाला है अपने फ्रेंड से बात करने का, क्योंकि हमारे फ़ोन जो हैं वो सब इन्होंने लेके रखे हैं, तो कैसे वो क्या करके बाहर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें अपने फ्रेंड के, क्योंकि ये इनका फ्रेंड जो है वो कमांडो है, तो इसलिए वो कैसे देखते हैं, वही हमें बचाने आएगा। बट फोन तो सबका ले लिया है, ले लिया, सूरज का भी फोन अगर ले ले लिया लिया हुआ है, लेकिन उनको एक रॉन्ग नंबर आता है और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन कर देते हैं उसी में, और इनकी एक कोड लैंग्वेज है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टेबल बजा के, तो ये उससे ही उनको सिग्नल दे देते हैं कि दैट वी आर इन ट्रबल, प्लीज़ कम एंड सेव अस। लास्ट में ये जो ट्विस्ट अभी हो रहा है, तो ऑडियंसेस को क्या कहना चाहोगे इसका? कुछ नहीं, अभी जब मेजर ट्विस्ट तब आएगा जब ये नक्सलाइट्स और कमांडोज का आमना सामना होगा, तो आप देखिए कि क्या होता है जीजीमा में। थैंक यू। वेलकम।